इन दिनों नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। शनिवार को वह जेडीयू कार्यालय जाते हैं, फिर विजय चौधरी के आवास पर जाते हैं और अपने अधिकारी दीपक कुमार के घर भी जाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं आज सुबह की, जब सीएम नीतीश कुमार अचानक अपने पार्टी के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। और नीतीश कुमार यही नहीं रुके बल्कि पार्टी के पूर्व प्रदेश वशिष्ठ नारायण के घर पर भी जाते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, इतना नीतीश कुमार एक्टिव क्यों नजर आ रहे हैं, पाला बदलने की मूड में तो नहीं है, सवाल कई हैं, हम जानेंगे वरिष्ठ सहयोगी होंगे आशुतोष मिश्रा से। सर, इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है लगातार पार्टी कार्यालय जा रहे हैं और लगातार जो है अपने पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, राजनीतिक जानकार अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने अपने अनुभव के आधार पर इन मुलाकात के मायने तो निकालने लगे हैं, मायने निकाल भी रहे हैं, बहुत कुछ बातें सामने आ रही है। लेकिन हम उस पर चर्चा करने से पहले इतना जरूर बताना चाहेंगे कि कुछ न कुछ अंदर खाने चल जरूर रहा है, कुछ न कुछ बातें जरूर हो रही है। अब क्या हो रही है, क्यों इतने एक्टिव हैं, ये तो सच में कोई जाने तो जिनसे मुलाकात हो रही है वो बता सकते हैं या फिर सीएम नीतीश कुमार बता सकते हैं। लेकिन राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, राजनीति कर रहे हैं जी, अच्छे पोजीशन पे हैं, सत्ताधारी गठबंधन के मुखिया हैं, ऐसे में अगर दो सियासतदान मिलते हैं तो जरूर सियासी चर्चा होती है। अब सियासी चर्चा होती है तो चर्चा करने के पीछे एक नहीं कई रीजंस हैं, कई वजह हैं, कई चीजें चल रही है। बड़ी बात तो यह है कि ये सारी मुलाकात जो भी हो रही है अमित शाह से, हाल फिलहाल की बात करें तो अमित शाह के बिहार दौरे से ठीक पहले हो रही है। आप शनिवार की बात करें, एक दिन पहले की बात करें, अगर शनिवार से पहले की बात करें तो खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव जाते हैं मुलाकात करने, यानी कि 3 तारीख को, 3 नवंबर को। 2 नवंबर को याद करें आप, जब सीपीआई की रैली थी वहां पर नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया था, कांग्रेस लोकेट बयान दिया था जी। उसके बाद फिर लालू यादव तेजस्वी यादव गए, वहां पर बातें सामने आई है, कई तरह की बातें आ रही है। जीतन राम मांझी का जो कहना है, उन्होंने जो सीक्रेट राज खोला है, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने के मूड में आ गए हैं, मुख्यमंत्री पद की चाहत उनकी रही है। 2025 में कह दिया उन्होंने कि सीएम तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे, यानी उनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है, जो सोच करके रखा था उन्होंने, जो उम्मीद पाल करके रखी थी, वो कुछ हो नहीं रहा है। कांग्रेस भाव दे नहीं रही है, लालू यादव भी अपनी अलग स्ट्रेटेजी के लिए जाने जाते हैं, अपना अलग खेल खेल रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की जल्दबाजी में है। तो हो सकता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को मनाने गए हों, डैमेज कंट्रोल करने गए हों, कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं इधर उधर जाने की, तो मत सोचिए, हम लोग आपके लिए बैटिंग करेंगे, फिर उसी पुरजोर तरीके से करेंगे, आपको संयोजक भी बनाएंगे, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाएंगे, और जरूरत और वैसी स्थिति आई, अनुकूल सब कुछ रहा, तो फिर पीएम भी बनेंगे आप। तो ये बातें हो सकती है, और ऐसा जीतन राम मांझी का कहना है, और ऐसे कहने के पीछे उनका भी लॉजिक है कि सीएम नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जी, वो ऐसा ही रहा है, और जब भी वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं किसी भी गठबंधन के साथ रहें, किसी भी सहयोगी दल के साथ रहें, तो वो पीछे हटने से या अपने डिसीजन पर नया डिसीजन जी लाने से चूकते नहीं है वो। हाँ, वक्त माकूल होने का जरूर इंतजार करते हैं जी। तो क्या वो वक्त आ गया है, सवाल ये भी है। और ऐसे में अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना भी हो तो नीतीश कुमार ने कई बार ये कहा है कि हमने ये डिसीजन लिया अगर एनडीए से हटने का या बीजेपी का साथ छोड़ने का, तो फलना फलना नेता ने हमको सलाह दी थी, तो अपने पार्टी के नेताओं के बारे में कहा था उन्होंने जी। तो वैसे ही उन्हीं नेताओं से मिल रहे हैं ज्यादातर, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेहद क्लोज हैं।
तो अगर कोई दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं तो संभावनाएं टटोल रहे होंगे, उनका मूड जान रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या चाहते हैं, ललन सिंह क्या चाहते हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, बिहार जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार के खासम खास में से एक हैं, उनसे भी राय मशवरा कर सकते हैं इसी सिलसिले में, बहुत सारी बातें हैं। या फिर सत्र भी शुरू हो रहा है कल से, तो सत्र को लेकर भी मंत्रणा होती है कि सत्र में कहीं विपक्ष ज्यादा हमलावर रहे तो कैसे जवाब देना है, क्या रुख अपनाना है। तो बातें कई है, मुद्दे कई हैं। अब किन किन चीजों को लेकर असल में वो बात कर रहे हैं, अगर सच कहा जाए तो बता सकते हैं वही, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। सुरबुगाहट ये भी है, जीतन राम मांझी का तो ये कहना है कि नीतीश कुमार ने कभी शायद कहा था कि 2023 में ही तेजस्वी यादव बन जाएंगे, हालांकि मुझे पता नहीं, याद नहीं है कि कब उन्होंने कहा था नहीं कहा था, लेकिन उनका स्टेटमेंट जो आया है उनका छपा है, तो 2023 बीतता जा रहा है, सीएम बनाने की कोई कोशिश ही नहीं हो रही, कुछ उस दिशा में बात ही आगे नहीं बढ़ रही है। हो सकता है कि लालू यादव तेजस्वी यादव भी जल्दबाजी में, पार्टी के लोग तो उनके राजद के लोग तो जल्दबाजी में कई बार जल्दबाजी दिखा चुके हैं, कई बार वैसी बयानबाजी सामने आ चुकी है, और अब कांग्रेस के बहाने कहीं अलग तो नहीं निकलने वाले हैं। और नीतीश कुमार को कोई नाम देने वाला भी पलटू राम है तो वो लालू यादव ही देने वाले हैं जी। अपने दरवाजे बंद करने वाले भी कोई हैं तो वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव है, जिन्होंने तेज प्रताप यादव ने तो बाहर में बोर्ड तक चिपका दिया था, पोस्टर लगा दिया था कि चाचा की नो एंट्री अपने घर पर, लेकिन फिर भी सहूलियत की सियासत सब लोग करते हैं, सत्ता सबको चाहिए प्रिय होती है, तो सत्ता के लिए बेशक विचारधारा मेल नहीं खाती हो फिर भी सब लोग दूसरे के साथ हैं, और आज की तारीख में सरकार चल रही है और नौकरियां भी मिल रही है और कई तरह की उपलब्धियां भी गिनाई जा रही है, मंच से अंदर खाने चाहे जो भी चीजें चल रही हो, मंच से जब साथ में आते हैं तो यही दिखाने की कोशिश होती है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, हालांकि ऑल इज वेल नहीं है, कम से कम उस इंडिया अलायंस की जो कल्पना की गई थी कि वो सब लोग एक मंच पर आएंगे अपना निजी स्वार्थ भुला करके कुर्बानी देते हुए एनडीए को बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, उस दिशा में बात आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, वो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी आंखें तरे रही हैं, अखिलेश यादव यूपी में आंखें दिखा रहे हैं, केजरीवाल भी गाहे बगाहे बोलते रहते हैं, डी राजा का भी स्टेटमेंट आया था, कुल मिलाकर के अंदर खाने ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव से मिलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फोन पर बात की थी नीतीश कुमार से, तो बहुत सारी चीजें चल रही है जहां तक मेरा अनुभव रहता है, मेरी जानकारी है, और जो चर्चाएं चल रही है उसके मुताबिक यही विषय हो सकते हैं जिस पर नीतीश कुमार अपने मातहतों से, अपने करीबियों से, अपने गुड बुक वाले अधिकारियों से राय मशवरा करते हों, और फिर हो सकता है कि इसका अंजाम क्या होता है वो वक्त आने पर पता भी चले कि आखिर सही में अंदर खाने चल क्या रहा था, क्या खिचड़ी पक रही थी, क्या हो रहा था। निशा जी, तो देखिए बातें कई हैं, मुद्दे कई हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार सिलसिलेवार तरीके से अपने पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि कल से शीतकालीन सत्र भी स्टार्ट है, जिसको लेकर के भी पक्ष विपक्ष में आमने सामने होंगे, तो इस दौरान क्या कुछ होगा उन सब चीजों को भी लेकर के बातचीत होती होगी। सर, सारी जानकारी के लिए धन्यवाद।